बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैर वैसे से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडेक्स नंबर, और उसका हम क्वेश्चन नंबर जो है वो से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो क्वेश्चन इसके लिए डिस्कस कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर जो है वो उसका भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लास क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड इंडेक्स नंबर यूजिंग 2010 एज अ बेस। इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि 2010 को एज अ बेस रखना है, और जो पहली रिक्वायरमेंट है 2010 एज अ बेस, दूसरी रिक्वायरमेंट है एवरेज ऑफ द प्राइस एज अ बेस। तो तमाम ईयर्स की प्राइजेस को फिर दूसरी रिक्वायरमेंट में एज अ बेस रखना है। तो हम पहले इसकी पहली रिक्वायरमेंट को करते हैं, जिसमें उसने बोला है क्वेश्चन नंबर थ्री का जो हम सोल्यूशन है वो करने जा रहे हैं। और इसमें उसने बोला है कि हमारे पास 2010 को एज अ बेस रखना है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट है इसकी 2010 को एज अ बेस रखना है जी। तो हमारे पास यहाँ पे ईयर्स हैं, ठीक है। ईयर्स में हमारे पास क्या है, 2010, 2011, 2012, 13, 14 और 15। इस तरह से प्राइजेस भी हैं, प्राइजेस हैं हमारे पास 25.50, 25.00, 27.50, 30.00, 35.00, 32.00, 32.50। तो हमने यहाँ पे प्राइजेस भी लिखी। अब यहाँ पे हमें देखना है 2010 को ऐसा बेस रखना था, तो हम क्या करेंगे, प्राइस डायरेक्ट निकालेंगे उस तरह से। और हमारे पास फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वो ही करंट ईयर प्राइस बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे उसने हमें बताया है कि यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि 2010 को ऐसा बेस रखना है। तो हम किस तरह से करेंगे, 25.50 को 25.50 मल्टीप्लाई 100, इधर भी 25.00 डिवाइडेड बाई 25.50 मल्टीप्लाई 100, और 27.50 डिवाइडेड बाई 25.50 मल्टीप्लाई 100, 30.00 35.50 मल्टीप्लाई 100, और 25.00 डिवाइडेड बाई 25.50 मल्टीप्लाई 100। और लास्ट में 2015 में तो देखें तो उसी तरह से उसकी जो करंट प्राइस है हमारे पास 32.50 डिवाइडेड बाई जो आपके पास 2010 को ऐसा बेस रखना था 25.50 मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास इस तरह से जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप देखेंगे कि आंसर हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं। हमारे पास है पहले का 100, दूसरे का देखा जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो है 98.00, और तीसरे का 107.8, और 117.6, इसके अलावा 137.3, और हमारे पास यहाँ पे है 127.5, ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर वन में हमने ये देखा था कि हमने 2010 को ऐसा जो है बेस रखना था, तो हमने ये रिक्वायरमेंट नंबर उसकी जो वन को सॉल्व किया। अब रिक्वायरमेंट नंबर टू की तरफ चलते हैं, और उसमें भी हमने प्राइस डायरेक्ट भी निकालनी है, लेकिन प्राइस डायरेक्ट निकालनी है तो हमने किसको बेस रख के निकालनी है उसको ज़रा देख लेते हैं। तो उसमें रिक्वायरमेंट नंबर टू में उसने हमें ये बताया है कि आप प्राइस डायरेक्ट यहाँ पे जो प्राइस डायरेक्ट ही फाइंड करने हैं, लेकिन किसको बेस रख के उसने बोला एवरेज एवरेज ऑफ ऑल ईयर बेस। तो आपने देखेंगे किस तरह से एवरेज ऑफ ऑल ईयर बेस निकालेंगे, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल ईयर की तमाम ईयर्स की प्राइसेस का हम सम अप करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास किस तरह से आएगा अगर हम देखें। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग करके बता देता हूँ, इधर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस एज बेस, ठीक है। किस तरह से करेंगे, अगर पहले साल में हमारी कीमत होगी तो 25.50 जमा 25.00 जमा 27.50, फिर 30.00
जमा 35.00 और जमा करेंगे 32.50। तो कितने सवाल है हमारे पास, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो आप 6 में इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो बेस आएगी वो हमारे पास आएगा 175.2 को प्लस करके 175.5 और डिवाइड करेंगे 6 पे, तो हमारे पास जो इसकी बेस बनेगी बेस प्राइस 29.25 है। ठीक है, अब आपने इस बार नंबर 2 में 29.25 को ऐसा यहां पे बेस रखना है। अब आप किस तरह से इसको देखेंगे, मैंने आपको वर्किंग के भी करके दिखाई है, अब मैं इस बेस से जरा रहा हूं कि हमारे पास बेस पर इसी काम है 29.25। बस आपने ये याद रखनी है कि हमने एवरेज ऑफ बेस ईयर एज अ जो प्राइसेस को एज अ बेस ईयर रखना है तमाम सालों के जो ईयर्स प्राइसेस। ठीक है, तो हमने अभी देखा हमारे पास फार्मूला तो वही यूज हो रहा है कि करंट प्राइस हमारे पास और इसको बेस प्राइस और मल्टीप्लाई 100 पे, किस दफा जो बेस प्राइस है यहां पे वो हमारे पास यही हो गई है, तो वो 29.25 है और ये एवरेज ऑफ ऑल ईयर एज अ बेस है, एवरेज ऑफ ऑल इयर्स एज बेस, तो वो हमारे पास ये थी बार नंबर 2 हम इसको डिस्कस कर रहे थे यहां पे। अब ये देखिएगा पहले साल में तो हमारे पास जो प्राइसेस थी 2010 में 25.50 और अगर हम इसकी डिवाइड करते हैं इसको किस पे डिवाइड करेंगे, अब बेस आपकी चेंज हो गई है क्योंकि तमाम ईयर्स की अगर एवरेज बेस आपने रखनी है। ठीक है, ठीक हो गया, बेस प्राइस आपकी चेंज होगी, बाकी प्राइसेस तो आपकी हर साल जो है वो सेम रहनी है, यानी जो पहले भी थी आपके पास। ठीक है, तो 35.00 2013 की करंट प्राइस है और इसकी बेस प्राइस आप चेंज हो जाएगी। इसी तरह से 14 में करंट प्राइस और बेस प्राइस आपके पास इसमें भी एवरेज ऑफ ऑल ईयर बेस आएगा, ठीक हो गया। अब अगर इसकी अपडेशन करते हैं तो हमारे पास पहले का जो आ रहा है 87.2, दूसरे का 25.5, तीसरे का 94.0, फिर 102.6, फिर 119.7 और लास्ट वाला है 111.1। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी, उसने हमने इसको डिस्कस किया कि हमारे पास 2010 को ऐसा बेस रखना है, लेकिन अगर हम रिक्वायरमेंट नंबर 2 में देखते हैं तो हमारे पास एवरेज ऑफ ऑल ईयर एज अ बेस। मैंने आपको किस तरह से ये निकालना सिखाया कि आपने तमाम प्राइसेस को प्लस करना है और जितने ईयर्स है उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एवरेज ऑफ ऑल ईयर एज अ बेस होगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो हमारे पास था 29.25। तो हमने हर साल की आप ये देखिएगा नीचे हर साल जो हमारे पास जो है वो बेस है वो हमारे पास एवरेज ऑफ ऑल ईयर एज अ बेस आ रही है और इस तरह से हमारे पास इस तरह से पैसे जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए। ठीक हो गया, ये उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बच्चे की बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।